गया है हमें देहरादून का जाम, देख सकते हो भाई पूरा जाम लगा हुआ है। सो गाइस बाहर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है चाचा जी और का घर, खाना चाची जी बना रही है मुँह चबा कर क्यों भाई पक्के बनना है पकौड़ी, वाह जी वाह। देखो टोल टैक्स पे, और यहाँ देखो भाई भीड़ देखो, पहले टोल टैक्स पे आज जाम कितना तगड़ा लगा है। तो आज गाइस भैया दोस्त इसकी वजह से इतना जाम लगा हुआ है भाई। अच्छा नमस्ते नमस्ते, और बढ़िया है हमारा छुटकू सिंह। हेलो, अब तो बोलो तुम, सो गया नहीं? अच्छा तुम सो गया हो। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। सो हे गाइस, राधे राधे, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आई होप सब बढ़िया होंगे, मैं एकदम मस्त हूँ। सो गाइस आज के व्लॉग की शुरुआत होगी हमारे चाचा जी और के घर से। तो हम अभी गाइस चाचा जी और के घर पे यहाँ देहरादून, एंड यहाँ है हमारे आदत ब्रो जो कि बना रहे हैं रोटी, आटा गूंद रहे हैं। और आज सुबह सुबह चाचा जी ने चाय बनाई थी मस्त वाली, चाय पी हमने सुबह सुबह जल्दी उठ गए थे, तो आज थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है चाचा जी की। एंड यहाँ इन साहब की तबीयत ठीक नहीं है, विकास सिंह की, ये भी लेट रखे हैं। और हमारी थोड़ी सी जुकाम ठीक हो चुकी है कल से, बिकॉज दवाई वगैरह खाई हमने। और यहाँ देखो भाई यही हम आ गई कहली अरे और गए यहाँ चाचा जी। चाचा जी गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग गाइस। आज चाचा जी हालत थोड़ा खराब, बुखार वगैरह आ रखा है। और यहाँ बाहर दिखाते हैं आपको मौसम, बाहर भाई धूप आ चुकी है मस्त वाली। और इधर गाड़ियाँ खड़ी है अपनी, दन्नू बाहर है, सुबह में गया था मार्केट यहाँ पे दुकान में आगे बिस्किट लेने। और अब दिख रहा है भाई यहाँ पे बहुत ही सही से लहसुन वगैरह काफ़ी कुछ कुछ लगा रखा है चाचा जी ने यहाँ। और यहाँ है परवीन चाचा जी की गाड़ी, यहाँ खड़ी है यही मतलब चाचा जी के अंडर में गाड़ी। एंड ये विकास सिंह की NS, इसको चलाएंगे आज हम, भर 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 लगाएंगे NS चलाने का शौक काफ़ी हमें। तो पहले भी नाश्ता वगैरह बनाते जल्दी से, नाश्ता वगैरह करते फिर मेरे को जाने का, पापा जी आ रहे हैं, पापा जी को लेकर जाना है दूसरे चाचा जी और के घर। एंड आज भैया दूज भी है, तो गाइस आप सब लोगों को भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं, मेरी बहनों को सबको। सो गाइस इधर देख सकते हो यहाँ पे हमारी रोटी वोटी बन चुकी है एकदम, आकी सिंह ने पूरी रोटी बना दी इधर। और यहाँ पे हमारा नाश्ता रेडी है, ये देख सकते हो, तो ये नाश्ता जा रहा है चाचा जी और चाचा जी के लिए। कहाँ भैया माँ? ओके यहाँ पे नाश्ता गाइस, अब नाश्ता करेंगे चाचा जी, उसके बाद दवाई खाएंगे बिकॉज काफ़ी ज़्यादा हालत ख़राब है चाचा जी की। और यहाँ पे रोटी बनती हुई पर क्या किए, चिमटा कहाँ है? पक गया यार, फुली फुली रोटी मैं भी नहीं बनानी यार, मैं रेसिपी दे क्या मैं मर सीख ना तू। हाँ सो गाइस हमारा नाश्ता भी आ चुका है यहाँ देख सकते हो, और इधर चाचा जी खा रहे मेरे साथ नाश्ता। और मेरे को जाना है भाई, काफ़ी जगह जाना है आज भाई पापा के साथ, जल्दी से मैं भी नाश्ता करता हूँ। पांच टूर है मेरे लिए आज, बोला पांच टूर घूम के आएंगे हम। अरे पांडे जी ने दे रखी थी हमारे लिए सब्जी घर से, हरी सब्जी। देखो सो गाइस अब जाने की तैयारी हो चुकी है अपनी, धन्नो है बाहर खड़ी, इस पे लगाते हाँ रास्ता। हाँ ओके सो गाइस अब हम निकल चुके हैं यहाँ भाई, गली गली से निकलना पड़ता है, तो मैं काफ़ी बार आ चुका हूँ तो मुझे पता है ज़रा कहाँ कहाँ से निकलना है। जो पहली बार आएगा वो तो भूल जाएगा यार कि हमें कहाँ से आना था, क्योंकि यहाँ गली है बहुत पतली पतली गली इधर, लेकिन खुला है मतलब। सो गाइस पापा जी पहुँच चुके हैं इधर, फ्रूट ले रहे हैं, और हम भी बस मियाँ वाले पहुँच चुके हैं, यहाँ से अंदर को जाना है हमें चाचा जी और के घर पे, दूसरे चाचा जी और के घर पे।
गाइस यहाँ पे हमें लेने आ चुका है संतोष। आगे से चल रही है संतोष की गाड़ी। और ये वाला रास्ता मेरे को पता नहीं था, पिछले वाले कमरे में जा रखा हूँ मैं, इस सर वाले कमरे में नहीं गया था। सो गाइस हम पहुँच चुके हैं सीधा संतोष और के घर पे। नमस्ते नमस्ते। और बढ़िया बढ़िया। लगा दे गाड़ी। अच्छा ऊपर जाना है गाइस। हाँ नमस्ते। और बढ़िया। नमस्ते। आ चुके हैं हम इधर चाचा जोर का मकान देखने के लिए। तो यहाँ बन रहा है बड़ा चाचा जोर का मकान। यहाँ चल रहा है गाइस काम अभी। और ये रहा घर। तो प्लसर वगैरह तो हो चुका है लगभग लगभग, थोड़ा बहुत बचा है इधर उधर। यहाँ पापा भी है, सत्यम भी इधर। अरे लैट्रिन बाथरूम और ये कमरा ये है, और इसके साथ अटैच लैट्रिन बाथरूम इधर है। अच्छा ये किचन होगा ना खुला है ना, ये किचन है। हाँ ये किचन ही लग रहा है मेरे को। सो गाइस बाहर से कुछ इस तरीके से दिख रहा है चाचा जी और का घर। ऊपर मोंटी दिख रही है, नीचे ये बन रहा है अभी घर। तो अब हम चलते हैं आपसे घर। तो गाइस अब आ चुके हैं आपसे घर पे, और हमने जाना था अभी दूसरी जगह, तो अभी थोड़ा सा हम लेट हो चुके हैं बिकॉज चाची ने यहाँ खाना बना दिया है। यहाँ बन रहा है खाना, चाची जी बना रही है मुँह चबा कर कि भैया पक्के बनना है पकौड़ी। वाह जी वाह। गाइस पकौड़ी वकौड़ी बन रही है, और चावल इसमें बन रहे हैं यहाँ देख सकते हो। ऑटोमेटिक बटन ऑन करो चावल बन जाएंगे भाई। सो खाना वगैरह भी खाएंगे गाइस, देन उसके बाद तब निकलेंगे हम जोगी वाला। तो गाइस अब हो चुका खाना खाने का टाइम। इधर हमारे साथ सत्यम खा रहा है, इधर हमारे लिए इधर पापा जी, हमारे सर्विस मैन। और आज से हमारा चिकन खुल चुका गाइस, तो हम खा रहे चिकन अब बहुत टाइम बाद। तो गाइस हम निकलते हैं सीधा चाचा जोर के घर जाने बोले पहले, और उसके बाद जाना है जोगी वाला। नमस्ते। ठीक है ठीक है सत्यम भाई, ठीक है भाई। हम दोबारा पहुंच गया कि वहाँ आज सांप के नहीं थे रंगोली आज। अच्छा अच्छा तो पूरी अच्छी आज बाजा एक आज बुखार हो गया आ रहा हूँ रैपिडो। हाँ हाँ हमें देहरादून का जाम देख सकते हो भाई, पूरा जाम लगा हुआ है भाई साहब। क्या ऐसे ही रहता है जाम जोगी वाला चौक पे। निकल चुके हैं जाम से भाई, हालत खराब होगी जाम में यार। अब इस साइड को आ चुके हैं हम, जस्ट क्या कहते हैं जोगी वाला के अपोजिट लेफ्ट साइड पे। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं डेस्टिनेशन पे जहाँ पे हमें पहुंचना था। यहाँ पे भाभी की दादी जी है, इधर भाभी के चाचा जी। हेलो भाई नमस्ते नमस्ते। तुम्हें ना जा गाइस यहाँ
हाँ रखे हम, तो उसके बाद अगर ये भी एक टूर और है तो घूम रहे आज हम देहरादून, यहाँ से बाहर ऐसा दिख रहा है कुछ। सो गाइस अब हम निकल चुके हैं यहाँ से सीधा चाचा जी और के घर, दूसरे डेस्टिनेशन पे चल रहे हैं। अब आज काफ़ी घूमना हो गया यहाँ देहरादून। हाँ ये हमारे सीधा हाईवे आ ना, दूसरे चाचा जी एक यहाँ हमारे, तो वहाँ चल रहे हैं एंड हाईवे पे चल रहे भी, और गाड़ी चलाने का मज़ा आ रहा है भाई हाईवे पे। अभी भग रही है गाइस 60 से ज़्यादा नहीं चला सकते बिकॉज यहाँ लगे हैं सीसीटीवी कैमरे और चालान सीधा घर पे पहुँचता है, तो इसलिए इतना ही सही है 50-60 बस। जब हम पहुँच चुके टोल टैक्स पे, और यहाँ देखो भाई भीड़ देखो, पहले टोल टैक्स पे आज जाम कितना तगड़ा लगा है। तो आज गाइस भैया दोस्त इसकी वजह से इतना जाम लगा हुआ है भाई, बहुत तगड़ा वाला। यहाँ देखो गाड़ी कहाँ कहाँ से निकालनी पड़ रही बंदों को, यहीं से निकालते हैं। नमस्ते। हाँ जी बड़ी कक इन्हें जोड़ जान। सो गाइस चाचा जी मिल गए फाइनली हमें, अब चाचा जी और के घर निकलते सीधा। अच्छा नमस्ते नमस्ते, और बढ़िया कदर लंबो नमस्ते नमस्ते, और बढ़िया ये कदर लंबो गया बार है, तभी तो सबसे लंबा हो गया तू, तभी तो ना। हेलो गाइस है गाइस, अब आ चुके हैं ऊपर छत में, आज घूम रहे हैं हम चाचा जी, अब घूम रहे हैं हम चाचा जी के घर पे यहाँ। और भाई अवनीत सिंह, अरे आयुष भी आ चुके हैं इधर, चाचा जी पापा जी, और यहाँ से व्यू देखो भाई पूरा, भाई खेती खेते हैं गन्ना का, वो गन्ने का खेती, गन्ने के खेत गए जी भाई खतरनाक, वो देखो भाई वहाँ से वहाँ तक। तो गाइस ये है डोई वाला और अपनी धनु वहाँ, चल हाँ ठीक है अच्छा नहीं नहीं है दोनों वाला भी। सो गाइस अब हम चल निकलते हैं यहाँ से, ना ना कैलून में क्यों आने, ना ना कैलून में आराम से टाइम लगन है, पर हाँ टाइम लगन है पर। चलो ये है डोई वाला चौक, अब यहाँ से निकल रहे हैं हम सीधा भानीवाला के लिए। सो गाइस हम हैं भानीवाला के हाईवे के नीचे, अब हम जा रहे हैं सीधा भाई के घर। सो गाइस फाइनली पहुँच चुके हैं हम घर पे, तो गाय
गाइस अब हम पहुंच चुके घर पे और खाना वगैरह हो चुका है, अब सोने की तैयारी है। इधर है मम्मी भाभी और इधर भाई और इधर है हमारा छुटकू सिंह। हेलो, अब तो बोलो अब सो गया हो? नहीं अच्छा सो गया वो ना, क्यों गाइस सो चुका है अब। अब वो ठीक 12 बजे उठेगा रात को। हाँ सिंह उठिया नहीं अभी नहीं उठेगा वो, 12 बजे है ना अलार्म से। बाय बाय, दो घंटा बाद उठो। सो गाइस मिलता है आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।